जिला आपदा प्रबंधन द्वारा शिवनाथ नदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा मॉक ड्रिल कर बाढ़ से बचाने व स्कूबा डाइविंग द्वारा गहरे पानी से विक्टिम को निकालने का डेमो कर दिखाया गया, जिसमें पहुंचे स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित किया गया। जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की संयुक्त टीम के साथ पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी गुरुद्वारे के सामने बाढ़ आपदा से बचाव हेतु संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम जो कि भिलाई से निरीक्षक एस के त्रिपाठी के नेतृत्व में शिवनाथ नदी में बाढ़ आपदा एवं बचाव का डेमो एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा आयोजित किया गया। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथियों में एसडीएम दुर्ग विनय पोयाम, डिप्टी कलेक्टर जोगेश्वर कौशल, नगर सेनानी कमांडेंट एसडीआरएफ नागेंद्र सिंह, सरोज महिलांगे, एसडीएम दुर्ग एनडीआरएफ टीम कमांडर एस के त्रिपाठी व राजकीय प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं व अध्यापक, गुरुद्वारा प्रबंधक, साथ ही काफी लोग यहां पर शामिल रहे। गौरतलब है कि सबसे पहले सभी लोगों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ दलों द्वारा आयोजन में पहुंचे स्कूली बच्चों को किस प्रकार बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया जाता है मॉक ड्रिल करके बताया गया। अस्पताल सुरक्षित भेजने की प्रक्रिया एवं उसको एनडीआरएफ के प्रशिक्षित जवानों द्वारा स्पीड बोट द्वारा रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार, घरेलू वस्तुओं जैसे खाली प्लास्टिक बोतलों, खाली जरिकैन इत्यादि से पानी में तैरकर बाहर निकलने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर एनडीआरएफ द्वारा उपस्थित बच्चों को भी प्रशिक्षित किया गया। डेमो में प्रमुख आकर्षण स्कूबा डाइविंग द्वारा गहरे पानी से विक्टिम को निकालने की प्रक्रिया बतलाई गई। इस संबंध में एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेंद्र कुमार सिंह व डिप्टी कलेक्टर जागेश्वर कौशल ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। और एसडीआरएफ का संयुक्त फ्लड रेस्क्यू मॉकड्रिल था, इसमें हम लोगों ने बच्चों या आम जनता और जिला प्रशासन सभी के सहयोग से हमने किया हुआ है। इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे अगर फ्लड आने पे या तो कोई भी बाढ़ में फंसा हुआ है या अन्य आपदाओं में कैसे हमें लोगों को सुरक्षित बाहर तरीके से निकालना है और उनको कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचाना है। तो ये हमारा एक पहले का पूर्वाभ्यास था, जिसमें हम लोगों ने डूबे हुए व्यक्ति को कैसे बाहर निकालना है, कहीं कोई द्वीप में या कहीं फंसा हुआ है बाढ़ में कैसे बाहर निकालना है, उसके बाद अगर पानी वगैरह अगर पी लिया है तो कैसे उसको बाहर निकालना है, उसका प्रॉपर तरीका क्या है, उसके अलावा अगर अनकॉन्सियस हो गया है क्लिनिकली अगर डेथ हो गई है तो कैसे CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन के माध्यम से कैसे उसको पुनर्जीवित करना है, कैसे हॉस्पिटल सुरक्षित हो जाना है, ये हमने अपने जीवित मॉक ड्रिल के से किया हुआ। और आज जो NDRF कटक की जो हमारी यहाँ भिलाई में जो टीम है और SDRF में कमांडेंट नगर सेना और जिला प्रशासन के संयुक्त उसमें आज जो मॉक ड्रिल यहाँ पर शिवनाथ नदी पर किया गया, उसमें जो हमारे बाढ़ आपदा है या और जो भी हमारे अचानक आने वाले जो आपदा हैं उससे कैसे बचा जाए इसके लिए यहाँ पर मॉकड्रिल किया गया। हमारे स्कूली बच्चे भी यहाँ थे और हमारी NDRF और SDRF की टीम ने छोटे छोटे जो घर में कुछ घटनाएं हो जाती हैं उससे हम प्राथमिक रूप से कैसे उनको रिलीफ दें, उसके बाद भले उनको उसके बाद अस्पताल पहुंचाने वाले लेकिन उसको कैसे जैसे बच्चे के मुंह में जैसे चॉकलेट वगैरह फंस गया तो उसको कैसे अपन प्राथमिक उपचार करें उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले जाएँ, और बाढ़ आपदा में कैसे डूबते हैं तो उसको कैसे रेस्क्यू करते हैं, और जिला प्रशासन की टीम कैसे रहती है उसको कैसे रसद उपलब्ध कराते हैं, कैसे प्राथमिक उपचार की उनको भेजते हैं, मान लो गाय बैल फंस गए हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, तमाम जो ये प्रक्रियाएं का एक मॉक ड्रिल और एक मुख्य रूप से समन्वय ऐसे आपदा के समय कैसे समन्वय में काम करना है इसके लिए यहाँ पर ये मॉक ड्रिल आयोजन किया जाता है और लोगों को जागरूकता दिखाने के लिए, अवेयरनेस दिखाने के लिए, और काफ़ी ये सब कारगर साबित होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।